खबर आपको बता दें, दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में दो लड़कियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, ये खबर जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। कार की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, कैसे हुआ ये हादसा? अमित, ये देर रात हादसा हुआ है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। ये परिवार था गाड़ी के अंदर, वैगनार कार के अंदर, जो पीरागढ़ी से कड़कड़डुमा की तरफ जा रहा था। उसी दौरान जब लक्ष्मी नगर पहुंचता है तो उनकी गाड़ी के आगे अचानक से डिलीवरी बॉय जो है अपनी बाइक लेके आते हैं और टक्कर होने के बाद गाड़ी चार पांच पलटियां लेती है। उसमें बैठे करीब 60 लोग थे, जिसमें दो युवतियों की मौत हो गई है, जिनका नाम भारतीय ज्योति बताया गया। दो लोग घायल हुए हैं। हालांकि जो आगे लोग बैठे थे उसमें छोटी बच्ची थी, वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था उसकी भी मौत हुई है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि डिलीवरी बॉय को घायल अवस्था में जो स्थानीय लोग थे वो अस्पताल लेके गए हैं, तो मैक्स हॉस्पिटल ने उनको लेने के लिए मना कर दिया, क्या क्या कि उनको बेड नहीं है। सवाल खड़े होते हैं दिल्ली सरकार की उस पॉलिसी पे कि अगर आप सड़क हादसे में किसी को भी अस्पताल लेके जाते हैं तो वहां पे फ्री इलाज होता है, लेकिन बिना इलाज के ही शख्स की मौत हुई है। ये कहीं ना कहीं उन दावों पे सवाल जरूर खड़े करता है जो सरकार लगातार एडवर्टीजमेंट के माध्यम से करती है। लेकिन अपने आप में बड़ा दर्दनाक हादसा था ये। लक्ष्मी नगर में गाड़ी जो है बताया ओवर स्पीड थी, करीब 80 से 100 के बीच में इस गाड़ी की स्पीड थी जब इसकी टक्कर डिलीवरी बॉय की बाइक से हुई है। जी शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।